हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं थोड़ा सा अलग सा वीडियो बनाने वाली हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट आती है। शायद वो बिगनर्स हैं इसलिए वो बार बार पूछते हैं मुझसे कि कौन सा वूल यूज़ करना चाहिए, कितने फंदे डालने चाहिए और कौन सी सिलाई यूज़ करते हैं और जेंट स्वेटर में कितने फंदे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मैं अलग अलग वीडियो ना बनाकर मैं सेपरेट वीडियो बना रही हूँ। आज जो मैं बताने जा रही हूँ वो मैं सिर्फ जेंट स्वेटर के बारे में बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से ये चार्ट बना लिया है कि जेंट स्वेटर में आप कितने फंदे डालेंगे और किस तरीके से आप इसको फंदों को रखेंगे अलग अलग साइज के लिए। तो मैं यहाँ पर सिर्फ जेंट स्वेटर के बारे में बताने जा रही हूँ। और वूल का देखिए, आप जो आपके पास अवेलेबल हो आप उसी तरीके की वूल यूज़ कर सकते हैं। जनरली जो ये है नॉर्मल जो वूल होती है 4 प्लाई की या 3 प्लाई की यूज़ होती है। वर्तमान की जो वूल है वो ज़्यादातर जो नॉर्मल वूल आती है उसकी 4 प्लाई या 3 प्लाई की वो 10 नंबर पे यूज़ होती है। तो मैंने यहाँ पर 10 नंबर के हिसाब से 10 नंबर की निडिल के हिसाब से फंदे डाले हैं। जो 10 नंबर की सिलाई होती है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर फंदे डाले हैं, फंदों का हिसाब रखा हुआ है। बाकी अगर आप अलग सिलाई यूज करते हैं या अलग वूल यूज करते हैं उसमें आपको कैसे रखना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको नोट करके रख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ, ये वर्धमान की वूल है और ये नॉर्मल रैबिट एक्सेल वूल है। इस पे आप 10 नंबर या 9 नंबर की सिलाई भी यूज़ कर सकते हैं। अब उसमें आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सा वाला डिज़ाइन बना रहे हैं। अगर ऐसा डिज़ाइन है जैसे केबल डिज़ाइन होते हैं या जो सिकुड़ जाते हैं डिज़ाइन बनाने के बाद, उनमें आप फंदे थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे और उनमें आप या तो 9 नंबर की सिलाई यूज़ कर सकते हैं। जनरली मैं 10 नंबर की सिलाई इसमें यूज़ करती हूँ। ज़्यादातर मैं 10 ही नंबर की सिलाई से इसको बनाती हूँ, 9 नंबर से थोड़ा सा लूज़ हो जाता है। अब देखिए, ये है एक, ये ओसवाल का वूल है, 3 प्लाई वूल है ये। इसमें भी 10 नंबर की सिलाई ही लगती है। अब ये वाला जो वूल है इसके लिए मैं आपको एक साइट दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ ये वाली वूल आप मंगा सकते हैं। ये 3 प्लाई वूल है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है ना ज़्यादा पतली है। इसको आप बच्चों के स्वेटर पर भी यूज़ कर सकते हैं और बड़ों के भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा है। वर्धमान की वूल है, रैबिट एक्सेल है, आप कोई भी ले सकते हैं, उसकी बहुत सारी वूल आती हैं। ये देखिए, ये बेबी के लिए है, ये बेबीज का है, बेबी वूल है ये वर्धमान का ही। उसके बाद अब आप अपने डिज़ाइन देख लेंगे, आप कौन सा डिज़ाइन बना रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है आप कौन सा वूल यूज़ करेंगे उसमें, कौन से कितने आप फंदे लेंगे और कौन सी सिलाई यूज़ करेंगे। तो आप देखिए, अब जेंट स्वेटर का मैं बता देती हूँ आपको, ये है वूल के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ये मैं यहाँ पे फंदों के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैंने ये वूल भी दिखा दी है आपको। तो अगर आप नॉर्मल वूल 4 प्लाई की यूज़ कर रहे हैं, 4 प्लाई वूल, आप 10 नंबर पे डालिए और 10 नंबर से ही आप पूरा स्वेटर बना सकते हैं जेंट्स का। तो देखिए, चाहे तो आप, अगर आपको थिक बॉर्डर चाहिए तो आप 11 नंबर से डाल सकते हैं, नहीं तो पूरा आप 10 नंबर से ही बना सकते हैं। उसके बाद आप देखिए आपको फंदों का हिसाब कैसे रखना है। यहाँ पे सारा मैंने ये 10 नंबर और नॉर्मल वूल का दिया हुआ है। ये देखिए, बॉर्डर पे आपको स्मॉल साइज में 100 फंदे रखने हैं, लार्ज साइज में 110 रखने हैं, एक्सेल में 120 रखने हैं, डबल एक्सेल में 125। बॉर्डर में दोनों साइड, ये बंद गले का मैं बता रही हूँ, जो बंद गले के स्वेटर होते हैं चाहे वो गोल गला हो चाहे वो वी नेक हो, तो ये बॉर्डर पे आपको इतने फंदे रखने हैं। स्मॉल साइज में 100 रखने हैं, लार्ज साइज में 110 रखने हैं, 110, एक्सेल में 120 और डबल एक्सेल में 125। अब देखिए आपको यहाँ पे डिफरेंस कैसे पता लगेगा कि आपको जो वूल और सिलाई के हिसाब से आपको फंदे कैसे एडजस्ट करने हैं। अगर आपकी वूल मोटी है, अगर आपकी वूल मोटी है और आप 9 नंबर की सिलाई यूज़ कर रहे हैं, जनरली 9 नंबर ही यूज़ होता है स्वेटर बनाने में और 10 नंबर उसी में आपका अच्छी जो फिनिशिंग आती है उसी से आती है। तो अगर आप 9 नंबर यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर 5 फंदे कम कर लीजिए, यहाँ पर भी आप 5 या 10 फंदे कम कर लीजिए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यहाँ पर आप 5 कर लीजिए, यहाँ पर भी 5 कर लीजिए। अब क्या है कि अगर आप टाइट बुनते हैं, बहुत टाइट अगर आपका हाथ है तो आप थोड़ा सा फंदे ज़्यादा रखिए, और अगर आपका हाथ नॉर्मली चलता है ढीला तो आप इतने ही फंदे रख लीजिए।
अब देखिए बॉर्डर पे तो आपने इतने रखे, उसके बाद आफ्टर बॉर्डर आप इसमें 10 फंदे बढ़ा दीजिए, इसमें भी 10, और इसमें आप 125 से 130 रख सकते हैं, डिपेंड करता है आप कौन सा डिजाइन बना रहे हैं। अगर आप कोई ढीला डिजाइन बना रहे हैं तो आप यहाँ पे फंदे ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, 5 फंदे से ज्यादा आप नहीं बढ़ाएंगे यहाँ पे तीनों में। अगर आप कोई बहुत टाइट सा डिजाइन बना रहे हैं तो आप इससे ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं, 115 तक भी कर सकते हैं इसको, 125 तक कर सकते हैं इसको, इसको 130 तक रख सकते हैं, इसको 135 तक रख सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आप किसके लिए बना रहे हैं, ज्यादा हेल्दी पर्सन के लिए बना रहे हैं या ठीक ठाक जो नॉर्मल होते हैं उनके लिए बना रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करेगा कि आप यहाँ पे कितने बढ़ाएंगे। बाकी नॉर्मली आप इतने ही रख सकते हैं इसमें। अगर आप ऐसे डिजाइन्स बना रहे हैं या आप 10 नंबर की सिलाई से बना रहे हैं, यहाँ पर देखिए शोल्डर में आपको स्मॉल साइज में, और शोल्डर भी डिपेंड करता है आप किसके लिए बना रहे हैं, उसी हिसाब से आप फंदे रखेंगे। 25 से 28 आप रख सकते हैं स्मॉल साइज में, 30 आप रख सकते हैं लार्ज साइज में, एक्सेल में आप 30 से 35 रख सकते हैं और डबल एक्सेल में 35 रख सकते हैं। इसमें 30 से 35 का मतलब है कि आप 30 भी रख सकते हैं, उसके बीच में भी रख सकते हैं। अब देखिए बाजू की स्लीव्स के बॉर्डर में, बाजू के बॉर्डर में आपको स्मॉल साइज में 45 से 50, अगर आप जेंट्स के लिए बना रहे तो वैसे 50 फंदे ही सही रहेंगे इसमें, 50 फंदे आप डाल सकते हैं। लार्ज साइज में आप 55 फंदे डालिए, और वूल के हिसाब से मैंने जैसे बोला, थिक वूल है तो आप कम फंदे डालिए और मोटी नॉर्मल वूल है तो आप इतने ही डालेंगे जितना मैं बता रही हूँ, सारा नॉर्मल वूल के लिए है। एक्सएल में 55 से 58 और इसमें डबल एक्सएल में 60। तो स्लीव्स में टोटल फंदे आपके, वैसे हम जनरली लेते हैं जो हमारे आगे के बॉर्डर में फंदे होते हैं, एक साइड के बॉर्डर में जितने फंदे हमारे होते हैं उतने हमें टोटल फंदे जो स्लीव्स में बाजू में ऊपर जब बढ़ा लेते हैं उतने फंदे हमें चाहिए होते हैं। यानी कि सारे जो एक एक करके हम फंदे बढ़ाते हैं दो दो करके, वो आपके इतने लास्ट में हो जाने चाहिए। इसके बॉर्डर में 100 है तो यहाँ पे आपके 95 से 100 मतलब प्लस माइनस 5 फंदे आपके यहाँ तक हो जाने चाहिए। अगर आपने बॉर्डर में 100 फंदे डाले हैं तो आपके जो बाजू के फंदे हैं सबसे ऊपर जो टोटल में है वो 95 से 100 होने चाहिए स्मॉल साइज में, लार्ज साइज में 100 से 110 और एक्सेल में 110 से 20 और डबल एक्सेल में 120। तो इसमें आप वूल का हिसाब देख लीजिए, 110 और 120 तक आप यहाँ पे रख सकते हैं, 110 तक आपका जो नॉर्मल है वो आ जाएगा, ज्यादा हेल्दी पर्सन के लिए आप 120 रख सकते हैं। उसके बाद जो नेक है, वी शेप का नेक, मतलब जो वी नेक बनता है उसमें आप 165 से 170 स्मॉल साइज में रख सकते हैं, 180 आप लार्ज साइज में रख सकते हैं, 180 आप एक्सेल में रखिए, 180 आप डबल एक्सेल में रखिए। इससे जो नेक है वो सही बनता है, ज्यादा ढीला और ज्यादा टाइट नहीं बनेगा, इसलिए आप नेक के फंदे इतने रखें, प्लस माइनस आप 5 कर सकते हैं यहाँ पर, वो मैंने बता दिया वूल और पर्सन के हिसाब से। फिर राउंड नेक जो होता है उसमें हम गोलाई में फंदे उठाते हैं, यहाँ पे भी मैंने वी शेप का ये टोटल में बताया है, ये टोटल में आप करेंगे। राउंड नेक जो है वहां पे हम 120 स्मॉल साइज में रखिए आप, 120 से 25 आप लार्ज साइज में रख सकते हैं, 125 आप एक्सेल में रख सकते हैं, डबल एक्सेल में 130 रख सकते हैं। ये मैंने पूरा चार्ट बनाया है, ये आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, बाकी मैं समझा रही हूँ आपको कैसे ये करना है। फुल लेंथ आपको कितनी रखनी है, 25 इंच पूरी लेंथ, पूरे स्वेटर की जो आगे जो लेंथ होती है वो 25 इंच आप स्मॉल में रखें, 26 इंच आप लार्ज में रखें, 26 ही एक्सेल और 26 डबल एक्सेल। ये इसलिए बता रही हूँ मैं क्योंकि ये जो है आपका पर्सन पे डिपेंड करेगा, आप ज्यादा लंबे के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा आप इसको नाप के ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आपको आर्म होल कट कहाँ पे करना है, कितने इंच पे आपको आर्म होल कट करना है यहाँ पे। तो 10 इंच आप आर्म होल बनाइए 10 इंच, और उससे पहले आप नाप लीजिए कि आपको जिसके लिए बना रहे हैं उसका स्वेटर नाप लीजिए, तो इसमें आप 10 इंच माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर आप 10 इंच माइनस करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा, लेकिन आप 17 और 18 यहाँ पे रख सकते हैं,
आम होल तक आप 17 और 18 रखिए, यहाँ पे आप 16 रख सकते हैं, यहाँ पर आप 15 रख सकते हैं, बाकी आप नाप के देख सकते हैं। वो बहुत इजी होता है जहाँ जब आप बना रहे हैं, तो जहां से आपको स्वेटर बनाना शुरू किया आम होल तक जब बना लेंगे तो उसको आप नाप के देख लीजिए, आपका सही आ जाएगा वहां तक। वहां से आप आर्म होल को कट कर लीजिए, जो वी नेक होता है आर्म होल कट के साथ ही कट हो जाता है, और जो राउंड नेक होता है उसको आप आर्म होल बुनने के 3.5 इंच, जब आप स्मॉल साइज बुन रहे हैं तो 3.5 इंच बुनेंगे तब आप राउंड नेक की कटिंग करेंगे। यू शेप का नेक है राउंड नेक जो होता है जेंट्स का, जैसा भी आप राउंड नेक बना रहे हैं उसके लिए, और लार्ज साइज में आप 4.5 इंच पे कट करेंगे, एक्सएल में आप 5 इंच पे और डबल एक्सएल में 5.5 इंच पर। ये इसलिए क्यों, क्योंकि आपका डिपेंड करेगा कि आप जो शोल्डर है उसकी लेंथ आप कितनी रख रहे हैं, और आपको जो नेक है वो छोटा बड़ा जैसा चाहिए उस हिसाब से आप इसको कट कर लीजिए। ये यहाँ पर ये जो है ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपने आर्म होल कट किया है उसके बाद आप इतने बुनने के बाद इतना जब आप बुन लेंगे 3.5 इंच, यहाँ पे 4.5 इंच, 5 और 5.5, इतना बुनने के बाद आप आर्म होल सॉरी गले की कटिंग करेंगे इस साइज के लिए। ये देखिए, तो ये है, आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको नोट कर सकते हैं जैसे मैंने इसको रखा हुआ है। वी नेक जो होता है वो आर्म होल कट के साथ ही कट हो जाता है, या फिर जैसे आपके आर्म होल की कटिंग खत्म होती है उसके बाद आप वी नेक की कटिंग कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर तीनों के लिए सेम होगा ये चारों के लिए। तो आई होप मैंने इसको सही से समझाया, आपको समझ में आया होगा यहाँ पर जेंट स्वेटर के फंदे आपको कैसे डिवाइड करने हैं, और वूल और पर्सन के हिसाब से आपको इसको कम ज्यादा कैसे रखना है, और प्लस आप कौन सा डिजाइन बना रहे हैं। तीन चार जो पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं, आपका जो भी प्रोजेक्ट आप बनाएंगे एकदम परफेक्ट बनेगा इसके हिसाब से। तो ये है आज का जेंट स्वेटर का, जेंट स्वेटर में आप फंदे कैसे करेंगे। उसके बाद में अपने जो वीडियोस आने वाले हैं उनमें मैं बताती रहूंगी, जो भी मैं जेंट स्वेटर बनाऊंगी उसमें मैं पूरा मेजरमेंट आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन एक जनरल आइडिया है आपको फंदे किस तरीके से रखने हैं, बाकी इसमें जो पॉइंट अगर मैंने कवर नहीं किया हुआ आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें कवर कर दूंगी। तो ये था मेरा एक्सप्लेनेशन, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी और वीडियोस के लिए मैं लाती रहूंगी आपके लिए ऐसी और वीडियोस। तो मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।